हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? वेलकम वेलकम टू योर ऑन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। तो बेटा 3.1 जो एक्सरसाइज थी वो हम स्टार्ट कर चुके थे। उस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था सी, वो हमने कल नहीं करवाया, वर्ड प्रॉब्लम का था, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को आप करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम, और हमारे चैप्टर का नाम क्या था? बेसिक ऑपरेशन। क्या थे हमारे चैप्टर का नाम? बेसिक ऑपरेशन। तो बेसिक ऑपरेशन में क्या क्या आते हैं? माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, एडिशन, सॉरी डिवाइड, ये सब आते हैं। तो क्या हमें नहीं आते हो? आते हैं ना सारे। बस दिक्कत ये है कि भाई उसने दे दिया है दोबारा से रिवाइज करने के लिए, तो हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके अंदर भी यही सब चीज़ें हैं। हमें बस उसके जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको देखना है, वो पूछ क्या रहा है, हमसे ऐड करवाना चाह रहा है या फिर डिफरेंस करवाना चाह रहा है या फिर मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है या फिर डिवाइड करना चाह रहा है, ठीक है ना। बस उसकी लैंग्वेज पकड़नी है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो सी है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए बेटा। विदाउट बुक की पढ़ाई नहीं होगी, हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हमें अपने सिलेबस को भी करना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। तो प्लीज परचेज इन योर बुक, ठीक है ना। देयर आर 72,569 बॉयज एंड 73,692 गर्ल्स एनरोल्ड इन ए यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर कितने बच्चों ने एनरोल्ड किया है, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स दिए हुए हैं। How many students in all are enrolled in that university? एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बच्चे ना एनरोलमेंट करा, मतलब अपनी एडमिशन के प्रोसेस में, उसे आप एडमिशन ही समझिएगा, ठीक है। तो एडमिशन के लिए कितने बॉयज़ों ने और कितने गर्ल्सों ने अपने फॉर्म लगाए हैं, ठीक है। तो कितने बॉयज थे? 72,569 गर्ल्स थी। तो उसने कहा है भी टोटल जो हैं बच्चे, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अपना फॉर्म लगाया है। गर्ल्स कितनी हैं बेटा? इसका मतलब समझ जाना कि वो सेम लैंग्वेज लिखी है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है पूरा, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट तो इसको क्या कर दे, ऐड कर दे। 9 + 2 = 11, 1 is carry 16, 1 is carry 12, 1 is carry 6 and 14, ठीक है। तो इतने बच्चों ने वहां पे एनरोल किया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ए कंपनी प्रोड्यूस्ड 3,525 बल्ब्स इन ए डे। एक कंपनी बल्ब्स बनाती है वन डे, प्रोड्यूस्ड ए बल्ब, वन डे प्रोड्यूस बल्ब्स, कितने बनाती है? उसके बाद कहता है हाउ मेनी बल्ब्स कैन इट प्रोड्यूस्ड इन ए वीक।
सेवन डेज, एक वीक में कितने दिन होते हैं? सेवन, तो सेवन डेज प्रोड्यूस्ड बल्ब्स। देखो एक दिन में बनाए इतने, तो दो दिन में इससे क्या करते, दो से मल्टीप्लाई, तीन दिन में तीन से मल्टीप्लाई, तो सात दिन के लिए सात से मल्टीप्लाई। बेटा सात इसलिए लिया है क्योंकि उसने वीक के लिए बोला है, और एक वीक में सात ही तो दिन होते हैं, तो हमने सात सेवन डेज लिख दिया है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेवन फाइव जा 35, यहाँ पे हमारी फ्री कैरी। सेवन टू जा 14 प्लस 3 17, वन इज कैरी। सेवन फाइव जा 35, वन इज 36। सेवन थ्री जा इतने बल्ब बनाएगी कितने दिन में? सेवन डेज में। देखो उसने क्या कहा है, वन डे प्रोड्यूस्ड बल्ब, एक दिन में बल्ब बनाती है कंपनी 3525। उसके बाद उसने कहा है भाई वो एक दिन में, देखो आप एक दिन में दो चॉकलेट खाते हो, मैं आपसे कहती हूँ बेटा आप एक दिन में दो खाते हो, सात दिन में कितनी चॉकलेट खा पाते हो? तो आप क्या करोगे, भाई एक दिन में दो खाता हूँ, दो दिन में चार खाऊंगा, तीन दिन में क्या कितने खाऊंगा, छः खाऊंगा, चार दिन में कितने खाओगे, आठ खाओगे, आप कर कैसे रहे हो? देखो एक दिन में दो चॉकलेट खाई, ये डेज है आपकी और ये आपकी चॉकलेट है, दो दिन में कितनी खाई आपने, टू मल्टीप्लाई टू फोर, तीन दिन में कितनी खाई, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स, सेवन दिन में कितनी खाई, सेवन मल्टीप्लाई थ्री सेवन मल्टीप्लाई टू इज, इतनी तो चॉकलेट खाई आपने। तो इसी तरह से एक दिन में उसने बल्ब इतने बनाए उस कंपनी ने, सात दिन में उस कंपनी ने कितने बल्ब बनाएगी, तो हम क्या कराएंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा है बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, 48,716 eggs are packed in a tray. एक ट्रे के अंदर कितने अंडे जो है वो पैक किए जाते हैं, 48,716 विद 19 eggs in each tray. ठीक है ना, तो बेटा यहाँ एक ट्रे है, इसके अंदर 19 जो है वो एग्स जो है वो पैक किए गए, ठीक है, लेकिन मुझे कितने अंडे पैक करने हैं? अब एक ट्रे जो है उसके अंदर 19 अंडे पैक हो गए, मुझे टोटल इतने अंडे पैक करने हैं। मान लीजिए आप किसी शॉप है आपके पास, और आपके पास शॉप है तो आपके पास एग्स आए, तो एग्स आपने ट्रे बना बना के देनी है, आपके पास टोटल इतने एग्स आए हैं 48,716, ठीक है, तो आपने देखे कि भाई जो ट्रे आई है उसके अंदर तो 16 ही अंडे आए हैं, एक ट्रे कंप्लीट हो गई, दूसरी ट्रे निकाली उसके अंदर 16 कितने हैं, 19 अंडे आए, वो कंप्लीट हो गई, वो बिक चुकी है आपकी, तीसरी ट्रे निकाली उसमें भी 19 ही आए, भाई जो स्पेस है वो तो 19 की है ना, चौथी निकाली उसमें भी 19, पांचवी आई उसमें भी 19, इस तरह से आप पैक करते गए, कितना एंड पे आएगा 48,716। तो आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ऐड भी नहीं होगा और इसका सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, बच गया क्या, डिवाइड होगा मेरे बच्चों। जब आप चॉकलेट खाते हो, मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ बेटा आप जो है ना वो 21 चॉकलेट खा चुके हो, 21 चॉकलेट खा चुके हो, कब से कब तक, एक तारीख से सात तारीख तक, यानी कि सेवन डेज में आपने कितनी चॉकलेट खा ली, 21। सात दिन में जब आपने 21 चॉकलेट खाई हैं, तो आप जो है एक दिन में कितनी चॉकलेट खाई, तो आप क्या करोगे, भाई सात दिन में तो 21 चॉकलेट खाई है मैंने, तो एक दिन में कितनी खाई, 21 को सात से डिवाइड कर दिया मैंने, एक दिन की कितनी चॉकलेट निकल के आई, तीन चॉकलेट निकल के। तो सेम इसी क्वेश्चन की यही कहानी है इस क्वेश्चन में भी बेटा, जब आपके पास 48,716 अंडे हैं और आपके पास एक ट्रे के अंदर 19 अंडे आते हैं, तो ऐसी कितनी ट्रे बनेंगी कि उसके अंदर 48,716 अंडे पैक हो जाएं, ऐसी कितनी ट्रे आप कंप्लीट कर करके रखोगे, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा।
तो टोटल ऐड जो है, टोटल एग्स पैक्ड वन ट्रे एग पैक How many tray? इसका जो आंसर आएगा वो आप लगा देना, इस तरह से डिवाइड करना है ये, ठीक है ना? आपको ये इस तरह से सॉल्व आउट करना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं आपको, ये क्वेश्चन या फिर ये एक्सरसाइज में कहूँ 3.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट आपकी हो चुकी है। डू एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट इन फेयर नोट। आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है और बेटा प्लीज बुक परचेज कर लीजिएगा जिसके यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।